प्यारे तलबा, अस्सलामुअलैकुम। बच्चों, क्या आप ये बात मानते हैं कि वालिदैन की ज़ात वो ठंडी छांव है जिसके साये में बच्चे तमाम किस्म की मुसीबतों से महफूज रहते हैं? जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम इस सबक में वालिदैन पर बात करेंगे। दरअसल आज हम वालिदैन की अज़मत पर एक इबारत पढ़ेंगे जो एक मुकालमे की शक्ल में है। आइए इबारत पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू। वालेकुम सलाम, क्या बात है बेटा? मैं आपसे अपना घर बनाने की इजाज़त लेने आया हूँ। मैं आप पर मज़ीद बोझ बनना नहीं चाहता। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ और अलग रहना चाहता हूँ। प्यारे बेटे, तुम एक नहीं कई घर बना सकते हो, लेकिन तुम बोझ नहीं, हमारी इकलौती औलाद हो। फिर घर बनाने की ज़रूरत ही क्या है? जो हमारा है वो तुम्हारा है। अब तो तुम्हारी वालिदा और मैं ज़ईफ़ हो चुके हैं। तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारी खिदमत भी कर सकोगे। माफ़ कीजिए अब्बा जान, आपकी खिदमत करना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपने मेरे लिए जो किया है वो आपका फ़र्ज़ था। आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। ठीक है, तुमको दूसरा घर बनाने की इजाज़त मिल जाएगी। बस एक अदना सी गुजारिश है, ये कुछ पैसे हैं, मेहरबानी करके यतीम खाना जाकर यतीम और लावारिस बच्चों के लिए खैरात कर आओ। जी अम्मी, मैं अभी यतीम खाना जाता हूँ। तुम लौट आए? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ये मायूसी कैसी? जी हाँ अब्बू, मैं उदास हूँ। यतीम खाना जाकर मैंने जो देखा वो वाकई सबक आमोज था। ऐसी क्या बात हो गई? वहाँ पर मैंने उन मासूम बच्चों को देखा। यतीम खाने में उनको सर छुपाने के लिए एक छत तो मिल जाती है अब्बू, लेकिन अपनायत नहीं मिलती। उनका कोई अपना नहीं होता। उन्हें इस हाल में देखकर मेरा दिल तड़प उठा। यूं दिल छोटा करने की क्या ज़रूरत है? सुबह तुमने कहा कि मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो किया है वो मेरा फ़र्ज़ था। बस उन बच्चों के वालिदैन ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया होगा। वो मेरी भूल थी। मैं जब यतीम खाने से लौट रहा था तो एक प्यारा सा लड़का मुझसे लिपट गया। उसकी निगाहों में जो दर्द था वो याद करके मेरा कलेजा फटा जा रहा है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं। आपने मुझे चलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, बेहतरीन चीज़ें दीं। ये आपका फ़र्ज़ नहीं, एहसान ही था अब्बा जान। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये तुम कह रहे हो। शाबाश मेरे लाल, देर आयद दुरुस्त आयद। अब मुझे मालूम हुआ कि रोज़ाना माँ बाप का चेहरा देखना भी इबादत है। सुबह सुबह मैंने जो कुछ कहा उसे मेरी नादानी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। सुबह का भूला
शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहती। माफ़ तो खुदा भी करता है, फिर हम तो तुम्हारे वालिदैन हैं। इस एहसान के लिए शुक्रिया अब्बू। मैं आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा, ज़िंदगी भर आपकी और अम्मी की खिदमत करूंगा, कभी आपको मोहताज खाना नहीं भेजूंगा, आप दोनों को सहारा दूंगा। खुदा करे कि हमेशा मेरे सर पर आप लोगों का साया हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। माँ, अब मुझे मालूम हुआ कि घर दीवारों से नहीं अपनों से बनता है। तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें यतीम खाना भेजकर बिल्कुल सही किया। सच है, सबसे पहली दरसगाह माँ है। तो बच्चों, अभी हमने जो इबारत आपके सामने पेश की, उसमें हमने वालिदैन की अजमत और उनकी अहमियत पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताईं। वालिदैन की अहमियत पर मज़मून लिखते वक्त आप इन निकात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम वालिदैन की अहमियत पर चंद मज़ीद बातें करते हैं। माँ बाप दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। वाकई दुनिया में माँ बाप जैसी कोई नेमत नहीं है। हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत और अच्छा सुलूक करना चाहिए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की दुआ गोया जन्नत की हवा। प्यारे बच्चों, इंसान तो इंसान, हैवान भी अपनी माँ से बड़ा लगाव रखता है। माँ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। बाप जन्नत के दरवाज़ों में सबसे अच्छा दरवाज़ा है। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। माँ बाप के चेहरे की तरफ प्यार से देखना इबादत है। वाकई बच्चों, माँ बाप के चेहरे की तरफ प्यार से देखना बहुत बड़ी इबादत है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क में इजाफा और बरकत हो, तो उसे अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। प्यारे तलबा, माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश शफ़क़त तो मोहब्बत से करते हैं, इसीलिए औलाद को वालिदैन की अताअत और फरमा बरदारी में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं। अज़ीज़ तलबा, हमें यकीन है कि आप बड़े होकर अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।